गाड़ी अब सेम पॉइंट अब भाई बहुत और बारी घूमेगी बहुत सच्ची में दिखा रहे उल्टे में हम उल्टा रास्ते में आ गए हैं और बहुत इतनी मेहनत करी मैप तो अलग ही तो अलग दिशा में चल रहा है हमारा होटल है और ये गेट ऐसा लग रहा है हम शमशान घाट में एंटर होने वाले हैं एंड फाइनली हमारा कॉटेज आ चुका है बहुत देर के बाद यहाँ पे हमारी फर्स्ट ये बॉनफायर है पहली बॉनफायर हमारी यहाँ पे फ्री है वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट यस आई एम इन जीबी और मेरे को कसम से बिलीव नहीं हो रहा कि यार मैं जीबी में हूँ लाइक लिटरली मतलब ऐसा नहीं है कि कभी मैंने माउंटेन्स में विजिट नहीं करा है बट ये एक फ्रेंड्स ट्रिप है फैमिली ट्रिप नहीं है और मेरे को कभी भी विश्वास नहीं था यार कभी भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं थी यार अपने फ्रेंड मैं पापा से मम्मी से पूछने की यार मेरे को बाहर जाना है घूमने यार वो लोग क्या सोचेंगे यार इतनी छोटी सी को बाहर जाना है पर उन्होंने जब मैंने पूछा कि यार मेरे को अपनी ट्रिप पर जाना है उन्होंने क्या बोला पता है जा सिमरन जा जीरे और ये है व्यू जो बिल्कुल मेरे रूम के बाद है यहाँ पे एक छोटा सा जर्मन शेफर्ड है ये 6 months का है ओके गाइस तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए पहले ब्रेकफास्ट करेंगे फिर हम होंगे तैयार जाने के लिए आज प्लान है हमारा मिनी थाईलैंड और एक और जगह जाना है तो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और नहाते हैं की गाइस तो मैं तो हो चुकी हूँ एकदम तैयार और यहाँ पे ठंड काफ़ी कम है दिल्ली से काफ़ी कम ठंड है मेरे को लग रहा था काफ़ी ठंड होगी पर नहीं है अभी दोपहर का टाइम हो जाएगा तो और गर्मी हो जाएगी यहाँ पे ये भी आया मेरे साथ ये मेरे को लेकर आया है एक्चुअली है ना yes. तो कैसा लग रहा है आपको बहुत बढ़िया हमारी फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग होने वाली है ये ट्रैवल ट्रिप व्लॉग एवरीथिंग तो कहाँ जा रहे हैं हम ये बताओ अब हम जा रहे हैं जलोरी पास एंड मिनी थाईलैंड अच्छा ये yeah. चलो थाईलैंड तो घूम नहीं सकते तो मिनी थाईलैंड घूम लेते हैं इंडिया में तो कुछ ना कुछ ढूंढेंगे और वाटरफॉल भी जा रहे हैं हम आज ही हाँ जी भी वाटरफॉल जा रहे हैं आज बस हम लग कैसे रहे दो दिन है हमारे पास आज का और कल का दिन अच्छा लग रहा है ये लो जी सामने से आ गई बस वही तो ज्योति ना चीकी चीकी करता है वेलकम टू साक्षी ब्लॉग 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 क्या होता है ब्लॉग ब्लॉग ओके ओके गाइस हम आ गए हैं जेबी वाटरफॉल फाइनली बहुत ही अजीब है इतनी दूर आखिरकार हमारे कॉटेज से कितना दूर था ये हमारे कॉटेज से 10 मिनट दूर था हाँ भाई ओके तो एक ये हम हैं ये हमारे फ्रेंड्स हैं सारे के पास है जीबी पास में बट हम हिमाचल वाले जीबी आए हैं हाँ। समझ रहे हो आप सो वी हैव रीच्ड जीबी वाटरफॉल ये रास्ता है जीबी वाटरफॉल जाने के लिए तो लाइक 1-5 मिनट लग सकते हैं वहाँ तक पहुँचने में आ जाओ एक एक हमें तो देखते ही जाना है हम चल रहे हैं धीरे धीरे सारे जा रहे हैं यहाँ का दिखाओ ये देखो कितना अच्छा पानी बह रहा है बस वाटरफॉल पे भयंकर भीड़ ये है जिभी वाटरफॉल छोटा सा बना रखा है एकदम प्यारा सा और बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है बहुत ही बढ़िया बहुत ही और तो मजे आ रहे हैं सबको भाई सही है ये देखो मैं तेरी महस क्या है मैं पलटता कैसे ये अबे रुक और देखना पड़ रहा है ये 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 बढ़िया बंदा है उसके अलावा ये सब को देखना पड़ता है ये लाला जी ये देखो ये सारे फोटो लेते हैं देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये हमारे जोयदीप जी ये फोटो वगैरह लेते हुए ये व्लॉगिंग क्वीन यहाँ से मैं कैमरा छोड़ना चाहूंगा थैंक यू
लड़कों की ग्रुप फोटो का फोटो सेशन स्टार्ट हो चुका है। गाइस हम बैठे हैं जंगलों के बीच में, सब फट चुकी है, ठीक है, पत्ते खा के काम चला रहे हैं हम। ओहो बहुत बुरा हाल है। तो हम जा रहे हैं वापस, वाटरफॉल हमारा हो चुका है कंप्लीट एंड मस्त ट्राई प्लेस है ये, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया था। अब हम जा रहे हैं मिनी थाईलैंड, ये है मिनी थाईलैंड का रास्ता और खुद ही देख लो इसकी कितनी ज़्यादा डीप है यार, ये जाने वाला रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऊपर आने के लिए तो और हालत ख़राब होने वाली है ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो ढलान है, हमको चढ़ाई करनी है। सो दिस इज़ मिनी थाईलैंड, आई डोंट नो इसको मिनी थाईलैंड क्यों बोला जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया, बट जो भी है बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, आगे भी है रास्ता, आगे भी जाएंगे। हालत बुरी हो गई यहाँ आने में, ऐसे ऐसे पत्थरों पे चढ़ चढ़ के आना पड़ेगा मेरे को, मैं रो देती कसम से, रोने वाली थी मैं। प्यास बहुत लग रही है, प्यास लग रही है जो यहाँ से आए हैं उसका क्या? बहुत ज्यादा गंदा वो था। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक नंबर। आजा भाई आजा। कैसे गए? हाँ भाई ठीक हो सारे? हाँ भाई मिनी थाईलैंड वो देखो, वो रहा सर मिनी थाईलैंड, वहाँ पे सिद्धू बनता हुआ, यहाँ पे जुराबे सूखती हुई, यहाँ पे जुराबे सूखती हुई, यहाँ पे भैया बैठते हुए, और वो हमारे तीन खिलाड़ी वहाँ पे। भाई भाई मैं एक चीज बोलूंगा ब्लॉग में, भैया कैसे बोल रहे हैं ये? भैया कैसे बोल रहे तू? अरे बाबा फालतू में मत बोला कर भैया। ओए भाई 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 मजा आ गया देख, बोलो भाई। ये हम हैं और ये मेरे दोस्त हैं और हम यहाँ पे मैगी खा रहे हैं, सिद्धू खा रहे हैं, सिद्धू सिद्धू ये हम आपको दिखाएंगे अभी कैसे बनता है। हाँ भैया है, भैया आपका नाम तो आपने बताया नहीं। टिकम सर। टिकम ले दे दे उनको। ये सिद्धू बनता हुआ, आप देखो, आप ये बड़ा मोमो है, ये देखो भैया ऐसे प्यार से कट लगाते हुए, ओए ये मजा आते हुए देखते हुए। ये भैया आपको मिलेंगे जब आप मिनी थाईलैंड आओगे, तो इधर से ट्रैक करके वो मिनी थाईलैंड है, अगर आपकी चुल है तो उधर जा सकते हो जूते गीले करवाने। भैया यहाँ बैठते हैं, अब देखना जादू भैया का अब आएगा, इस पे प्यार है? हाँ अब आएगा हर्षगोलू, ये बटर को बोलते हैं हर्षगोलू प्यार से। आ बिल्कुल घैट तक भर दिया भाई, ट्रैक करते करते हालत खराब हो गई, ऊपर चढ़ते चढ़ते मेनली है ना, ऊपर चढ़ते चढ़ते कैसे लगा ऊपर चढ़ के? इसको तो आदत है, ये तो बॉडी बिल्डर है अपना, यहाँ हो गई हालत खराब। ये कैसे लगे? ये जॉय भी ठीक है, प्रतीक भी ठीक है, पीयूष भी ठीक है, ये तो हमने गलती से ना एक गलत रास्ता ले लिया, ऊपर इन लोगों को पता नहीं कहाँ पिज्जा दिख गया, हम बहुत छोटी रोड पे आगे चले गए, अब ये नीचे एकदम बहुत ही डीप है और यहाँ से हम यू टर्न ले रहे हैं और बहुत डर लग रहा है, मेरी तो सांसें एकदम फूल रही हैं, मैं सिर्फ बजरंगबली बोल रही हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो अब लग रही है हमें भूख, तो हम नीचे से रेस्टोरेंट वगैरह चेक कर रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। अब हम जा रहे हैं वापस अपने कॉटेज में, बहुत थक चुके हैं, रात हो गई है बहुत ज़्यादा, कॉटेज और बहुत ही था अच्छा आज का दिन। अब थोड़ा सा फ्रेश होएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर बॉन फायर करेंगे, लोहड़ी का थोड़ा सेलिब्रेशन करेंगे क्योंकि लोहड़ी है और मैं घर से दूर हूँ, बहुत बुरा लग रहा है और क्या कर सकते हैं। मुड़ गया वहाँ पे, मैं रोने लग गई थी